जय महाकाल फास्ट फूड, दमोह की पहली गाड़ी वाली दुकान अब नए अंदाज में, शिवाजी स्कूल के सामने, सौरभ अग्रवाल, दमोह। सुजुकी एक्सेस 125 कम पीता है। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम किल्लाइना का बालापुर रोड दमोह। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। नमस्कार, स्वागत है दमोह जिले के पहले यूट्यूब चैनल तूफान टीवी न्यूज में। मैं हूं रवि अग्रवाल। सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। दमोह जिले में लगातार देखी जा रही खाद की कमी और कालाबाजारी के बीच जहां किसान कई बार सड़कों पर आ चुके हैं, वहीं अब आक्रोशित किसान आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। जिले के हटा में 10 बार सड़क जाम और आंदोलन कर चुके किसानों की कोई सुनने वाला नहीं और हर दिन हंगामा करने वाले किसान अब इस कदर दुखी हैं कि बोनी ना हो पाने की स्थिति में खुद को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। आज हटा में सरकारी खाद वितरण केंद्र पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब 3 दिनों से इसी केंद्र पर अपने को खाद मिलने के इंतज़ार में बैठे किसानों ने फिर हंगामा किया और जब खाद नहीं मिली तो मंत्री, विधायक और सरकार को कोसने के साथ अपनी जीवन लीला खत्म करने की चेतावनी दी है। वहीं खाद की कमी को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। किसानों के साथ हर आंदोलन में खड़ी कांग्रेस के नेता शिवराज सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं। इस पूरे मामले पर दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने बयान देते हुए कहा है कि खाद के वितरण उपलब्धता को लेकर पूरा अमला तैयार है और किसानों से सिर्फ सरकारी वितरण केंद्रों से ही खाद लेने के लिए कहा गया है। ऐसे में किसान बाजार से खाद ना लें, वहीं कालाबाजारी रोकने के लिए भी टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि दमोह जिले में खाद की किल्लत पर हर दिन प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं और इलाके की बसपा विधायक रामबाई सिंह भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। वहीं जिले का इतिहास भी ठीक नहीं है, जब बीते सालों में फसल बर्बादी को लेकर किसान जानलेवा कदम उठा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर परेशान किसानों की चेतावनी चिंता बढ़ा सकती है। हम लोग पैसा 1700 की बोरी ले रहे और इधर मिल रही खाद, बहुत परेशानी है। एक किसान को कितनी बोरियां मिल रही हैं? इधर 3 बोरी दे रहे, 3 बोरी का ऊंट के मुंह में जी डाल दो, कहा धरो 8 में नमक डाल दो, कहा हो। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करें, चंगड़ा हम दे दे फांसी लगा है गिरमा लाख है और का खाद कहाँ से लाएंगे? पर आप खाद हम 20 के तो ले, जहाँ बिक भी गई थी, देखी है 1000 बोरी थी, 10000 बोरी थी, 1800 की दे रहे। टोकन के लिए, खाद के लिए परेशान थे। कल हम लोगों ने चकाजाम किया, उसके उपरांत SDM साहब ने आश्वासन दिया कि कल जितने तो टोकन इशू हुए हैं सबको आखिरी तक खाद दिया जाएगा, किंतु आज जब हम लोग आए हैं तो मात्र 2-2 बोरी, 3-3 बोरी एक एक किसान को दे रहे हैं। खाद पूरा प्राइवेट जो व्यापारी हैं उनको दे दिया गया है। प्रशासन की स्वयं मंशा समझ में आ रही हम लोगों को, किसान को दोगुना डेढ़ा होना दोना काम लगे, वो किसान मजबूरी में व्यापारी से खरीदे। यहाँ पर स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में आने के बाद भी व्यापारियों को दे दिया गया, ब्लैक मेलिंग कर दी गई और जो किसान को नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पे 1800-2000 रुपए की बोरी मिल रही है। प्रशासन से भी हम लोगों ने नाम बताए कि 3-4 व्यापारी को 1800-2000 रुपए की ले रहे हैं, उसमें भी प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त है, वैसे ही पिछली फसल का मारा हुआ है। 12-12, 15-15 एकड़ जमीन में कोई फल नहीं आए तो पूरी बखरनी बड़ी, ना तो कोई मुआवजा मिला, ना प्रशासन के द्वारा कोई राहत राशि मिली। लगातार महीनों से किसान मंडी के चक्कर काट रहा है, किसानों के सहयोग से
जो दो बार चकाजाम किया गया उसके परिणाम से आज खाद बंटना तो शुरू हो गया है, लेकिन इतनी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं। अभी SDM सहित अन्य अधिकारियों से हम लोग की चर्चा हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है, हम लोगों ने कहा है कि अभी ये जो उपलब्ध खाद है ये बांटी जाए, अगर इसके बाद किसानों को खाद नहीं मिलता है तो हम लोग पुनः चकाजाम करेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे। एक ओर BJP सरकार किसान हितोषी की बात करती है, दूसरी ओर आज किसान की हालत ये है कि महीनों से ये हमारा अन्नदाता किसान चक्कर काट रहा है और कोई भी मंत्री विधायक सहित कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक इनकी व्यथा सुनने को यहाँ नहीं आया है। प्रशासन से लड़ाई आज रुकी नहीं है, ये इसके बाद अगर प्रशासन खाद की पूर्ति नहीं करेगा तो हम लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। दमोह जिले में उपलब्ध DAP और NPK फर्टिलाइजर्स पे अभी एक पूरा रिव्यू बैठक रखा गया है, जिसमें पूरा मार्केटिंग फेडरेशन के अधिकारी हो, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, और इसके अलावा पूरे SDM रेवेन्यू और तहसीलदार और SDOP और TI लोग जो है वो उपलब्ध है। लगातार ये देखी जा रही है कि बोनी की, क्योंकि अपने दमोह जिले में लगातार हो रही है और लगभग 40% की बोनी हो गई है, तो लगातार बेसल डोज के लिए DAP हो या NPK की उपलब्धता के बारे में बात आ रही थी। तो आज के डेट में कितने एजेंसीज या कितने सोसाइटी या कितने प्राइवेट लोगों के पास या गोदामों के पास आज के डेट में स्टॉक उपलब्ध है, उसके बारे में चर्चा की गई है, और कल परसों और नरसों कौन कौन सी जगह से हम लोगों को स्टॉक उपलब्ध होने वाला है उसके बारे में भी चर्चा की गई है। खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS DNB आर्थोपेडिक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश, पूर्व चिकित्सक अपोलो हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, उपचार सुविधाएं सभी प्रकार के फ्रैक्चर का आधुनिक पद्धति से ऑपरेशन, घुटनों एवं कूल्हे का प्रत्यारोपण, गठियाबात एवं आर्थराइटिस का उपचार, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, जन्मजात हाथ पैरों के टेढ़ेपन का उपचार, मांसपेशियों एवं झंझनाहट का उपचार, घुटना कमर दर्द हाथ पैर में जकड़न चलने में कठिनाई का उपचार, प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक। अजय मेडिकल एजेंसी, पता डॉक्टर संगीतानी जी की अस्पताल के पास PG कॉलेज के सामने दमोह में उपलब्ध रहेंगे। संपर्क करें 8718357637354200690।